जिंदगी का हर उजाला जुड़ा है उस रोशनी से जिसकी तवानाई से हर शय है रोशन, जैसे आप स्काई इलेक्ट्रिक के साथ। स्काई इलेक्ट्रिक एक ऐसा स्मार्ट सोलर सिस्टम जो ना सिर्फ सूरज से आपके कारोबार और घर के लिए बिजली बनाए बल्कि इंटेलिजेंटली उसे मैनेज और स्टोर भी करे और इजाफी बिजली ग्रिड को फरोख्त करे। स्काई इलेक्ट्रिक का क्वालिफाइड स्टाफ हर फॉल्ट को दे फौरी रिस्पॉन्स, जबकि मोबाइल ऐप से आप अपने सिस्टम को मॉनिटर भी कर सकते हैं। अब बिजली कब जाती है और कब आती है पता ही नहीं चलता। स्काई इलेक्ट्रिक के साथ रोशन दिन रात। स्काई इलेक्ट्रिक पावर्ड बाय इंटेलिजेंस। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम हशर नशर में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमजद कुरैशी और मेरे साथ हैं हशर फौजी कुसुमराना, नशर मायरा इमरान और मैं मासूम सा बंदाए बशर। और हशर नशर में जैसे कह रहे हैं मैं मासूम सा बशर और हशर नशर बशर आज का लेकर आए हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो अहम सेगमेंट है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, क्या पजीराई मिलती है, कौन नोटिस ले रहा है, कौन मजम्मत कर रहा है और किसकी मरम्मत होनी चाहिए, ये सब बातें हम करते हैं हशर नशर में। लेकिन अहम इश्यूज़ की बात करें तो आज का प्रोग्राम चूँकि बहुत डिफरेंट है, मायरा भी है, अमजद भी हैं, फौजे कसम राना भी है, हमने इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से तरतीब दिया है। आपका जो फीडबैक है वो हमें बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप चाहे पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हमारा जो प्रोग्राम है वो देख रहे हैं, अमेरिका से भी हमें फीडबैक आया है, यूके से भी लोग जो हैं हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उनका कहना है कि बहुत थोड़ा डिफरेंट प्रोग्राम है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम हालात में बयान नहीं की जा सकती। मायरा, अमजद, हशर, नशर, बशर, तो ये कुछ लोगों को तड़का तीन का जो है पसंद आया है जी। तो काफ़ी लोगों शुक्रिया अदा कर रही हूं, काफ़ी लोगों को पसंद आया है, बहुत सारे लोगों ने गाइड भी किया है, कुछ उन्होंने कहा कि कुछ क्योंकि बहुत गौर से देखते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, कभी तेज़ बोल जाते हैं, कभी ऐसा बोल जाते हैं, वो फीडबैक भी मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि उससे हमें प्रोग्राम को बेहतर करने का मौका मिलता है। और ये कि पूरी दुनिया से बाज़फ़त तो हम हैरान रह जाते हैं कि किसी मुल्क से अच्छा आपने देखा प्रोग्राम और फिर वहाँ से फीडबैक आ रहा होता है, तो सबके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमें फीडबैक देते हैं और बताते हैं कैसे बोल जाते हैं या क्या बोल जाते हैं, वो फीडबैक आता है। तो अमजद तो कहते हैं जी बोलने नहीं दिया, तो हशर नशर बशर के साथ क्या होने जा रहा है, बशर भी कुछ अगर फरमान जारी करें। बशर के साथ तो आज ही मालूम होगा क्या होना है, लेकिन बशर को फीडबैक तो हमारा बहुत अच्छा आ रहा है। फीडबैक की अगर बात की जाए तो बाहर से कहते हैं अमेरिका की कॉल तो वैसे ही बड़ी अहम होती है, अमेरिका में बहुत अमेरिका ही चला रहा है, और हशर नशर भी आप थोड़ा नोटिस ले लें, अमेरिका ही चला रहा है। तो ये अमेरिका चला रहा की बात करें मायरा, तो ट्रंप जी ने बड़ी गुगली फेंकी थी कि मैं सालसी करूंगा, 5 अगस्त से आज तक कर्फ्यू नाफिज है मकबूजा कश्मीर की, मैं बात कर रही हूँ क्योंकि अगर हम अहम अमूर की बात करते हैं, इसराइल की क्या पोजीशन होनी चाहिए और गजा के साथ जो मुजालिम है उनका कभी कोई सोल्यूशन नहीं आना, ये सारी चीजें दुनिया देख चुकी है, मिडिल ईस्ट के साथ क्या सिचुएशन है वो अभी हम सब ने देखा, क्या कहती हैं मायरा अगर मैं आपसे बात करूं कश्मीर के हवाले से, खुसूसी तौर पर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं उस पे मैं आपका पॉइंट चाहूंगी। जी देखिए, ये पेशरफ ज़रूर है कि तमाम इंटरनेशनल जितनी भी इंसानी हकूक के लिए बनाई गई तंजीमें सब ने इसका नोटिस लिया है, सब ने इसके बारे में मुज़म्मती बयान जारी किए हैं, तमाम मुल्कों की पार्लियामेंट्स के अंदर इसके बारे में बात हो चुकी है, लेकिन वही बात है कि बात जो है वो बात से बहुत आगे जा चुकी है। 45 दिन किसी भी जगह पर जहाँ पर इंसानों का वजूद है वो किस तकलीफ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हालात हैं, इलाज मालजे क्या सूरत हाल है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या सूरत हाल है, किस तरह से मीडिया को कट ऑफ कर दिया गया, किस तरह से सोशल मीडिया से उनको बिल्कुल, आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी मतलब पॉलिसीज बनती हैं, आपकी एड बंद कर ली जाती है, आपको एड दे दी जाती है क्योंकि आपके इलाके में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो इतनी आपके दुनिया के सामने सबको पता है कि वहाँ पर ये सब हो रहा है। हम मीडिया की बात करते हैं, टोटल ब्लैकआउट है, इंटरनेट भी नहीं है, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, आप ये देखिए कि जो मासूम बच्चे, जैसे मायरा ने भी बताया कि इंसानी हकूक की जब हम बात करते हैं, वायलेशंस की बात करते हैं हमारा, और अमजद तो अमजद आप क्या समझते हैं जो कि पाबंदियां लगा दी गई, वैसे तो आपको पता है कि जमहूरियत और इस तरह की बातें की जाती हैं, हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो जी सबसे बड़ी जमहूरियत है तो उसका तो मेन पिलर होता है अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं। आप लोगों को मालूम है इस चीज का, उन्होंने जमहूरियत नहीं कहा, उन्होंने जमहूरियत का लबादा उड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा आपको पता है मसाइल वहीं पर चल रहे हैं, वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं, एक वो तमिल की भी चल रही है, खालिस्तान की भी चल रही है, तीन चार, वो फिर वो एक उसका नाम क्या था, मैं जहन से निकल गया इस वक्त, आसाम के किधर वो
जो उधर भी उन्होंने अपना को वो ऐलान भी किया 19 लाख जो मुसलमान उनको बेघर कर दिया गया कर रहे हैं और मारपीट उनकी कर रहे हैं। वो देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि वो लबादा उड़ा है, इसको वाजे आप तौर पे कि ये जमहूरियत का लबादा है, कहना जी हम बहुत बड़ी जमहूरियत के अलमदार हैं, नहीं, वो जमहूरियत दबाने के लिए ऊपर जो है ना वो उसके दावेदार कह सकते हैं, अलमबरदार उसको नहीं माना जा सकता। जमहूरियत को कुछ शर्मिंदा कर दिया उन्होंने पूरी दुनिया में कि अगर जमहूरियत ने आपको ये देना है तो बहुत जगह पर अभी बात की जा रही है। अभी मैं इंटरनेशनल फोरम में थी और वहां भी ये कहा गया कि अगर आपको जमहूरियत जो है वो ये दे रही है इलेक्शन के बाद जिन साहब को आप लेकर आए और वो इतने बड़े शिद्दत पसंद है और इतना ज्यादा उन्होंने अपने मुल्क के अंदर बेचैनी फैला दी है तो ये जमहूरियत का तोहफा है, तो कोई मसला जमहूरियत में पाया जाता है तो मोदी साहब ने सारी दुनिया को सोचने में मजबूर उनको बुनियादी हकूक नहीं दिए जाते। जब हम सेहत की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, दीगर सहूलियात की बात करते हैं तो मुझे तो लगता है तरक्की पजीर ममालिक की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ये वाली जमहूरियत पाई जाती है। लेकिन एक जमहूरियत हिंदुस्तान में भी है जो RSS डोमिनेट करता है, जो हिंदुत्व की पॉलिसी है वो डोमिनेट करती है। वहाँ पर आप देखिए कि फनकार जो हैं वो अपने अवार्ड्स वापस करते हैं, खालिस्तान से जो पंजाबी हैं वो आवाज़ उठाते हैं और खसूसी हैसियत जो कश्मीर की ख़त्म की गई है ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया भर से आवाज़ें। यूरोपीय यूनियन का खसूसी तौर पर मैं हवाला दूंगी, 28 से ज़ायद मुल्कों का जो मजमुआ है उन्होंने भी कहा है कि हम इसको टेकअप कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस पर आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन कश्मीरी ये नहीं चाहते, जो इंसानियत का एहतराम करते हैं इंसानियत के नाते वो ये चाहते हैं कि 46 दिन हो चुके हैं और इससे ज़ायद का अरसा होने को है, अभी तक कर्फ्यू नहीं उठा। तो खुदारा ये मोदी की जो दहशतगर्दी है जो गुजरात में हमें नज़र आई थी वो हमें अब पूरे हिंदुस्तान में और पूरे खत्ते में फैलती हुई नज़र आ रही है, इसको काउंटर ज़रूर करना होगा। इन तमाम नुकात पर हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम हशर नशर में, नेक्स्ट क्या होने जा रहा है और क्या मसाला है, क्या क्या खुशखबरियाँ हैं मायरा के पास और अमजद क्या क्या कहने जा रहे हैं और आपके लिए क्या उसमें खुशखबरी है, ये सब भी आपको बताएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हशर नशर DBTV.live पे। जी हशर नशर में हम आपको वेलकम बैक कहते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। जी एक बार फिर वेलकम बैक प्रोग्राम हशर नशर में और हम जैसे कि बात कर रहे थे क्या खुशखबरी है, गुड न्यूज़ क्या है, तो मायरा हम नया फॉर्मेट लेके आए हैं, एक न्यू सेगमेंट है, क्या सस्पेंस है आपके पास? इस सेगमेंट का नाम हमने रखा है नाज़रीन सियासत से आगे, क्योंकि हम काफ़ी परेशान है इस चीज़ के ऊपर कि हर सियासत 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 आप टेलीविजन पे जब भी बैठेंगे जो भी टॉक शो लगाएंगे आप सियासत से आगे नहीं बढ़ते। तो हमने कोशिश की है कि जो भी दुनिया में नई रिसर्चेज हो रही हैं नए सर्वेज हो रहे हैं उनके बारे में आपको आगाह करते रहें और उसका हशर नशर भी करते रहें। तो आज जो रिसर्च हम लेकर आए हैं ये एक जर्नल ऑफ एजिंग सेल है, उसके अंदर रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें के तकरीबन 9 रजाकारों को जो कि आदमी थे, याद रखिएगा आदमी थे, उनको एक खास किस्म का सीरम पिलाया गया, हार्मोन सीरम, हार्मोन सीरम पिलाया गया जिसके जो एक साल पिलाया गया जिसके बाद जब उनका टेस्ट किया गया तो फिर पता चला कि इंसान बन गए वो, इंसान बनने मतलब आदमी इंसान कैसे बन सकते हैं, तो वो पता चला कि उनकी जो DNA के टेस्ट के बाद पता चला कि उनकी उम्र 2.5 साल कम हो चुकी है। तो अब ये देखिए जो 9 रजाकार थे उनकी उम्र थी 51 से 65 साल, तो आप देख सकते हैं हम जब उसमें नहीं आते अपना के उसके नहीं 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 शुक्र है उसमें ये रिसर्च अब क्या बता रही है, अगर अमजद पे होती ना तो 100 से 98 साल की हो जाती है ज्यादा। लेकिन ये क्या बता रही है आपके वो उम्र 2 से 2.5 साल कम हो जाती है? देखिए उनके DNA जो है ना वो उसके अंदर उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको वो रिवर्स कर देते हैं हार्मोन्स उसके, लेकिन आपको पता है वो 2.5 साल उनकी उम्र जो है ना DNA एज को कम करने कितनी क्रीमें बन गई क्या क्या बन गया मतलब एज मेडिकल एज कम करें वो औरतों को छेड़ते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर आदमियों का शौक आप मुलाहिजा करें कि उन्हें 1 साल वो हार्मोन इस्तेमाल किए तो आदमी बेचारे कुर्बानी औरतों देखो 9 रजाकारों ने करोड़ों ख्वातीन के लिए कुर्बानी देने की कोशिश की। लेकिन ये मुझे पता है रिसर्च ये किसने की है, किस ये रिसर्च की है? ये जर्नल ऑफ एजिंग सेल्स के अंदर ये पब्लिश हुई है और ये यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत वादे सबूत देता हूँ, ये सबूत पे आपने हंसना नहीं है, ठीक है, आप घबराना भी नहीं है। आपने 90s में एनक वाला जीन देखा?
चार्ली जो है ना पीता था, उसमें चार्ली मामू जो होते थे बिल्कुल, वो सीरम पीते जाते थे, वो उनकी एज कम होती, बच्चे हो गए थे वो, अगर याद हो तो। ये हमारे से कॉन्सेप्ट उन्होंने चोरी किया है, इसका हमें दावा करना चाहिए, एनेकोलाजिन को मुकदमा करना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जाना चाहिए। देखिए ये भी कहा जाता है कि अगर हम अपने घर में बैठे हो ना, हमारी जो रिसर्च के हालात है, मैं आपको सच्चे वाले बताऊं, तो अगर हमारे कमरे से वो सारी चीजें निकाल दी जाए जो कि मगरिब की दुनिया में बनाई गई है, जादू है, तो हमारे कमरों में कहते हैं कि एक मंजी और एक नाड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे अहम इतने भी बुरे नहीं है हम लोग, हमारे ही साइंसदान मंजी के साथ बंदे को नाड़े के जरिए बांधा जा सकता है, तो हमारी हम इतने भी रिसर्च में बुरे नहीं, हमारे ही जो साइंसदान उन्होंने बद्दुआएं दी हैं, तो जो हिंदुस्तान है वो चांद पर नहीं पहुंचा, मेरे ख्याल में आप इस बात को मान लीजिए। नहीं लेकिन ये कि हमारे वाकई में अगर इसको संजीदगी से देखा जाए तो हमारे साइंसदान, ज़हीन साइंसदान इस वक्त वहाँ पर दूसरे मगरबी मुल्कों में बैठकर वो रिसर्चेस कर रहे हैं, जिनको फिर हम उनकी रिसर्च के तौर पर यहाँ पर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मायरा वहाँ तो साइंस पाई जाइए, जो इधर सेंस होती है उसका क्या है? नहीं सेंस तो होगी ना, ये सेंस जो है ना, जो है ये वाली सेंस जो लड़ा रहे हैं ना, सबसे पहले जिसे हम सेंस ही कहेंगे, सेंस को जो है ना मुसलमानों ने शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद मुसलमान जैसे कुछ खीरा काटने के तरीके पे लग गया, कोई केला कैसे छीलना है वो बताने लग गए, उन्होंने रिसर्च लेके वो चांद पर पहुंच गए। इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। अगर वाकई में संजीदगी से देखा जाए तो बड़े अफसोस का मकाम है, कब तक आप अपनी उस हिस्ट्री को याद करेंगे, वो एक गोल्डन टाइम को याद करके हम बच्चों को भी पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद अब हमारी यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, वहाँ पर क्या हो रहा है, किस किस्म की रिसर्च हो रही है, कहाँ कहाँ हम फेल हो रहे हैं, क्यों हम मुकाबला नहीं कर पा रहे, दुनिया बहुत सारे सवाल आते हैं। और आला तालीमी इदारों से और कौन कौन प्लेजरिज्म कर रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बाद आप देखें जो स्कैंडल्स आ रहे होते हैं अखबारात में, मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे वाइस चांसलर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो कॉपी कर रहे होते हैं प्लेजरिज्म जी, उन्होंने अपना मकाला खुद से नहीं लिखा था, उन्होंने कॉपी किया था या फिर ऑन पेमेंट पर ये काम हो रहा है। हमने देखना यह है कि क्वालिटी एजुकेशन हम इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में चाहे हम साइंस की बात करते हैं, अपने ओवरऑल मुआशरे की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में मायरा और अमजद मुझे ऐसी कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। बहुत सारा आप देखें कि दौलत बहुत है, बनावट बहुत है, हर तरह से ना वो एक कहते हैं ना सोशल प्रेशर है, लेकिन ये सारा सोशल प्रेशर हमें कहाँ लेकर जा रहा है, कहीं तो मासूम बच्चे निशाना बन रहे हैं, कहीं खवातीन मतलब कहाँ से कहाँ चले गए। अभी भी मुझे नज़र आता है जो एक मोहल्ला होता था ना वो पूरा घर होता था, जो इशफाक अहमद का टाली दे थल्ले होता था ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट होता था कि बुजुर्ग बैठे हैं और नौजवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, वो इकदार सीख रहे हैं, हमने वहीं वापस जाना है। वरना आपको पता है हमारा चूनिया का वाकया, मुतअद्दिद वाकयात सोशल मीडिया पे, ये क्या हंगामा, मशहूर स्कूल के अंदर से एक बच्ची का वाकया है जो कि अपने घर गुमशुदा पहले थी, फिर उसके बाद जब वो मिली तो हमने देखा एक सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा हुआ उस बच्ची के खिलाफ भी, उसके घर वालों को शर्मिंदा करने के लिए भी क्या क्या बातें नहीं की गई। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह कि हम जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो हम उस वाकये के ऊपर सारा फोकस कर देते हैं, मीडिया भी और लोग भी, लेकिन ये नहीं देखते कि उससे पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से एक छोटी सी बच्ची, जो बच्ची थी बेवकूफ़ी करी उसकी, मगर क्या वजह थी कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतना बड़ा स्टेप लेने के ऊपर मजबूर हुई, आया उन सारे अनासर को देखना, और अब इसके बाद क्या होगा, क्या वो बच्ची अब मुआशरे में अब उस तरह से जा सकेगी, क्या स्कूल के अंदर उसको उसी तरह एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो किस ट्रॉमा से अब गुजरेगी, इसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा, और पहले के बारे में बस इंसिडेंट है, एक तो इंसिडेंट है साहब, एक इस इंसिडेंट का मिसाला है जो लोगों को बड़ा पसंद है, मिसाला के जो पहले ऐसा नहीं होता था, एक बोल्ड स्टेप लिया गया, पहले लोग बच्ची की बात छुपा लेते थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा उसके वालदैन ने एहतजाज किए हैं, ट्विटर के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर, प्रेस क्लब के सामने भी उन्होंने एहतजाज किया है। लेकिन खवातीन के लिए आवाज देखो, वालदैन ने उठाए, वो छुपा लेते थे, हमारी बेटी है, एक नुक्ता एतराज है, आप कह रहे हैं ना छुपा रहे हैं, हल नहीं ना। मायरा और अमजद आप देखिए बारात में यही लिखा जाता था ना कि फलां 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 आशना के साथ भाग गई, जो कि इन अल्फाज का इस्तेमाल फिर मना किया गया। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं सोशल मीडिया की, मेरे ख्याल में अमजद आप जो बात करें ना, छुपा लेना, छुपने से केसेस नहीं छुपते, और खासतौर पर बच्चियों के हवाले से जब हम तीनों अभी बात कर रहे हैं, छुपाना नहीं, अब क्या अच्छा हो रहा है, उस फैमिली की दूसरी बच्चियां
उस फैमिली के दूसरे बहन भाई उन पे क्या उसके इम्पैक्ट्स आते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं। तो हम इस मीडिया पे बात करे थे कि क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने तो शायद जो रही सही इज्जत थी वो भी सोशल मीडिया हमारी अपनी भी माशरती तौर पे भी हम सब शर्मिंदा हैं। वो उनके कमेंट्स पढ़ के उनकी गालियां भी लिख देते हैं सरेआम। वो एक बच्ची है, छोटी बच्ची है जिससे एक गलती हुई, ठीक है, और उस गलती की वजह शायद आप हैं, शायद बड़े हैं जो कि उसके इर्द गिर्द मौजूद थे, जो कि शायद उसके घर के अंदर मौजूद थे, किसी को इल्जाम नहीं दे रहे, लेकिन कहाँ पर उन्होंने क्या क्या गलती की जो ये दिन देखना पड़ा, ये उनको सोचने की जरूरत है। और उसके बाद अब क्या करना है ताकि दोबारा से कहीं पर ये गलती ना हो, इस पर सोचने की बहुत ज्यादा। अमजद देखिए, हम क्रिटिसाइज करें एक बच्ची के डिसीजन को, क्योंकि 18 इयर्स का कोई भी डिसीजन ऐसा है, ना शनाख्ती कार्ड बनता है ना पासपोर्ट बनता है, उस तरह से जो बच्चे डिसीजन नहीं कर सकते हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चुनिया पे आप देखिए 3 बच्चों की लाशें, मतलब ये अब चुनिया के साथ अगर वो एक मैं साथ एक और वाक्य जोड़ रहा हूँ बच्चों के साथ जो कुछ चुनिया में तो जो पंजाब में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके ऊपर तो पता नहीं कब एक्शन होगा, ये समझ से बाहर है। कभी बच्चों की लाशें मिल रही हैं, कभी बच्चों की, बल्कि चोनिया में आपको पता होगा बाकियात भी मिली हैं कि 1-2 साल का भी कह रहे हैं वहाँ कुछ हो रहा है, वो इंडस्ट्रियल स्टेट के एरिया में, ये क्यों हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स पे हम बात करेंगे प्रोग्राम हशर नशर में dbtv.live पे। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक dbtv.live पे प्रोग्राम हशर नशर। अमजद आप बात कर रहे थे, आप कोट कर रहे थे चोनिया इंसिडेंट को। देखिए चुनिया के मैं बता रहा कि बाकियात बच्चों की भी मिल रही है वहाँ पर, और ये इसके सदे बाप इतना बड़ा वाकया भी हुआ है और हो रहे हैं, बच्चे भी उठाए जा रहे हैं, तो इसके एक ये बातों के अलावा आगे निकलें। अभी हम इसी बात पे करते हैं, कानून का मसला है, बल्कि कुछ CIA का भी आज कुछ हुआ, उन्होंने कहा है कि उसको भी क्या नाम है, उनको भी दोबारा ऑडिट वगैरह वो पंजाब में हुआ है, IG ने कहा है उसका ऑडिट करते हैं, लेकिन इसके वो तशद्दुद के ऊपर भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये चुनिया में जो बच्चों वाला वाकया है इसके ऊपर वो, और कसूर में भी हुआ था, कोई कुछ नहीं हुआ उससे पहले। देखें ये पुरानी कहानी भी है, जावेद इकबाल से 100 बच्चों का जो उन्होंने वो किया, ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ ये। अगर 25-26 साल हो गए इस चीज़ पे काबू नहीं पाया जा सका, और वो पता नहीं क्या वजूहत है। लेकिन उसके बाद आते हैं सिंध में जो कुछ हो रहा है। देखें ये आपने वीडियो देखी होगी फौजिया मायरा, आपने भी देखी होगी कि मैं खुद भी उसे देखा नहीं जा रहा कि बच्चा सिसक रहा है, उसको एक यार वैक्सीन नहीं, कुत्ते काटने की वैक्सीन आप लोगों के पास नहीं है, और मसले तो क्या करेंगे जो आप लोग और खुद नहीं कर सकते, और क्या देगी। देखो वो वहाँ पे क्या हालत हो रही है। उसके बाद सांगड़ में भी एक वाकया हो बच्चे के साथ, एक औरत के साथ भी ये वाकया हो क्या रहा है। ये बातें करना, कोई कह रहा मदीने की रियासत बनाएंगे, वो कह रहे हैं हम सिंध को ये कर देंगे, कर क्या रहे हैं। हज़रत उमर ने कुत्ते की मिसाल दी थी, कुत्ते देखें हशर नशर कर रहे हैं, मुझे तो अवाम नहीं, अवाम का भी हशर नशर इसमें सब लोग शामिल हैं, अवाम के साथ हुकूमत को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कोई, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे PTI हो, एक बात करते हैं, चाहे वो नून लीग हो, कि जी हज़रत उमर वाली मिसाल हर कोई देता है कि एक कुत्ता मर गया तो हमें वो दरिया फरात के किनारे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। वो बातें तो बहुत करते हैं, वो कुत्तों की तुम वैक्सीन ही दे दो यार, और कुछ नहीं कर सकते कम से कम। आप सही कह रहे हैं, वैक्सीन की बात की आपने, हम दीगर चीज़ों की बात करें। एक और ट्रेंड, एक नोटिफिकेशन किया KP गवर्नमेंट ने, उसके बाद से अभी तक डिबेट जारी है सोशल मीडिया के। अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों ने कहा कि वी रिस्पेक्ट अब आया, कुछ लोगों ने कहा ये पर्सनल चॉइस है, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। मेरा आपका टेक चाहूंगी इस पर, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको, आप ये देखें इस पर मीम्स भी बने, मजाक भी बनाया गया, लेकिन सीरियसली अगर हम बात करें तो क्या अबाया पहना देने से ये सारे मसाइल जो बच्चों को के साथ बुरा सलूक है, ये सारी चीज़ें क्या ख़त्म हो सकती हैं। देखिए अबाया सबसे हैरानगुन बात ये होती है कि उस सूबे में डिमांड की गई जहाँ पर अभी ऑलरेडी ही खवातीन अपने आप को कवर किए बगैर बहुत ही कोई चंद एक होंगी जो निकलती होंगी, उसके ऊपर आप मजीद एक कानून बना दें तो ये हमारे लिए कुछ हैरानकुन था, क्योंकि वहाँ का तो कल्चर ऐसा है। दूसरा ये कि वाकई में अगर मेरे जो जाती राय है वो यही है कि इंसान की अपनी उसके ऊपर चॉइस है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। इसके में अगर कोई दूसरे मजहब की खातून भी उस यूनिवर्सिटी में, और आप उसको भी कहें कि नहीं जी आपने इस तरीके से चलना है, तो या तो आप उतनी फलाही रियासत दे दें, इतना कुछ दे दें लोगों को, इतना खुश कर दें, फिर आपके उस लेवल पर लोग आ जाए कि आप जो कहें वो कहें कि जी आपकी बात मानेंगे और वो किया जाएगा। लेकिन ये कि शुरू इससे करना कि आपने तालीमी इदारे को बेहतर करना है, या इससे शुरू करना है आपने कि नहीं जी बाया पहना देनी है। अभी जो यूनिवर्सिटी में, एक इस्लामाबाद की मशहूर यूनिवर्सिटी में एक भी आर्टिकल आया था कि जिसमें जिन्नात के ऊपर उन्होंने वर्कशॉप कराई, तो खुदा को मानिए आप, मतलब पहले रिसर्च तो कर लें कहीं पर, मतलब वो कहते नहीं जी ये मेटा फिजिक्स है, तो मैंने कहा फिजिक्स पे तो कुछ कर नहीं सके, मेटा फिजिक्स पे कहां से चले, पहले फिजिक्स से गुजर लें, फिर आप मेटा फिजिक्स पे भी आ जाइएगा, देखेंगे आपने इतनी तरक्की कर ली कि आप जिनों
दोनों को भी काबू कर सकते हैं साइंस के जरिए, तो फिर आप शायद कर लीजिएगा, लेकिन ज़रा फिजिक्स से तो गुजर जाए। जिनों को काबू करने की बात करें, कुछ अमजद ने भी सजेस्ट किया था सोशल मीडिया पे मर्दों को काबू करने के लिए, मर्दों को काबू, देखिए आपने जिनको हम मुर्दे भी कहते हैं कभी कभी, वो मुर्दे खिलाएंगे, ये पेश का फर्क है, वो मुर्दे खिलाएंगे। तो मुर्दों को काबू करने के लिए क्या है, मैंने उसमें लिखा भी था इस चीज के ऊपर, आपने कहा ना अबाया पहनना, अबाया ठीक है पहनना की बात दुरुस्त है, लेकिन उसके मर्दों के लिए भी जो है ना कोड ड्रेस करें, तो उनके वो जो घोड़ों के अपने घोड़े तांगे खत्म हो गए, उनके जो वो लगे होते हैं ना साइड्स के, वो ये सीधे स्टोन एज में लेके जा रहे हैं, ऐसे सीधे देखते जाएंगे ना, वो इधर देखेंगे ना उधर, तो उनके लिए भी इंतजाम तो फिर होना चाहिए, इंतजाम उनके लिए भी होना चाहिए। अगर वैसे ऐसे हो जाए तो खातून हम प्रोग्राम कैसे करेंगे, अगर ऐसे हो जाए, ऐसा हो जाए तो जस्ट करें, देखे मैं यूं बैठा रहूंगा, ना इधर देखूंगा ना उधर, प्रोग्राम करता रहूंगा। चले ठीक है, लेकिन ये सारी बात जो है ना, ना इधर देखने ना उधर देखने की बात नहीं है, बात आपकी तरबियत की है, क्योंकि आपने ये देखना है कि मेंटालिटी को चेंज करना, आपने आपने जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको चेंज करना है। मुझे नहीं याद पड़ता कि अगर इससे पहले हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो इस तरह से इतनी हरासमेंट होती थी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होती थी, रिपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद खवातीन का एहतराम होता था, बच्चों का एहतराम होता था, वो एक और ही माहौल होता था जिसमें जो होता था ना, गली का जो बड़ा होता था, चाहे उनको हम अंकल कहते थे, चचा ताया, उनका एहतराम करते थे, वो जो कहते थे ना, कोई लड़का कहीं से किसी के दरवाजे के पास खड़ा नहीं होता था, मेरे ख्याल में वो ज्यादा माहौल अच्छा होता था, क्योंकि सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, दूसरों की बेटियों की रिस्पेक्ट करते थे, बच्चों को अपना बच्चा ऑन करते थे, माओं की रिस्पेक्ट होती थी। अब मुझे नहीं समझ आती कि अगर हम इस ये जो सामाजिक पस्ती है ना, उससे हमने कैसे निकलना है, और ये सिलेबस चेंज करने से नहीं होगा, ये आपने मेंटालिटीज चेंज करनी है। सबसे पहले जो दस्त का है ना, वो माँ की गोद है, जब माएँ ऐसी तरबियत करेंगी तो मेरे ख्याल में वो जनरेशन परवान चढ़ेंगी जो शायद उस तरह से खवातीन को हरासा करना अपना कोई फ़र्ज़ नहीं समझेंगी। तो आप सब ने ये सब भी सोचना है। सोचने की जब हम बात करते हैं अमजद और मायरा, सोशल मीडिया क्या कमेंट्स करते हैं, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का खुसूसी तौर पर एक सेगमेंट है, सोशल मीडिया पर जो इश्यूज आते हैं, डिबेट होते हैं, नोटिस भी लिया जाता है, तो मायरा कैसे ओवरऑल आप क्या कहती हैं इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से, इसको रेगुलेट करने के हवाले से भी, इसकी जिम्मेदारियों के हवाले से भी? एक तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इस पर करूंगी कि तरबियत सिर्फ माँ की जिम्मेदारी अब नहीं रह गई है, क्योंकि तरबियत बच्चे अब सिर्फ माँ से नहीं ले रहे हैं, इस वक्त मीडिया से भी ले रहे हैं, सोशल मीडिया से भी ले रहे हैं, घर वालों की, हाँ, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन का एक्सेस इतना ज्यादा है कि शायद वो फॉर्मूला अब उस तरह अप्लाई नहीं हो सकता। अब बच्चों से आपको बात करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ बैठें, उनको समझने की कोशिश करें, जो तब्दीली आ चुकी है उसको आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें कि आ चुका है सोशल मीडिया, अब आप उनसे फोन ले लेंगे, टीवी बंद कर देंगे, तब्दीली आ चुकी है, अब ये वापस नहीं जाने की, अगर आप ये कोशिश करें जी आप टीवी को बंद कर देंगे या फोन ले लेंगे तो पीछे नहीं जाने वाले, आप उनके और कोई तरीका निकल आएगा। तो कहानी सारी ये है कि इस वक्त बहुत सोचने समझने की एनालिसिस की जरूरत है, समझदारी जाहिर है आप बड़ों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो सब बड़ों को जो है ना समझदारी से काम लेना होगा। तो अमजद पहले जो था ना, हुकूमतें बदलना, लीड लग जाना, प्रोग्राम कर देना मीडिया, अब सोशल मीडिया, मायरा तो कह रही है तब्दीली आ चुकी है, तो क्या सोशल मीडिया अब हुकूमतें बनाएगा गिराएगा, आप क्या कहते हैं? नहीं, सोशल मीडिया का वो जैसे कहते हैं ना इंफॉर्मेशन इतलाती जंग, इसे उर्दू में कहा जाता है, ठीक है, वो इतलाती जंग जो है इस वक्त फैल चुकी है, कोई भी चीज आप उस पर डाल देते हैं और पहुंच जाती है, लेकिन उसको रेगुलेट होने की जरूरत है। झूठ बहुत बोला जाता है, ठीक है, बहुत सी गलत अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, ठीक है, सलाउद्दीन के हवाले से कुछ बातें लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो कुछ है पीछे उसकी पुरानी वीडियोस भी आई हैं, लोग उसके आगे चीजें लेके बैठ चुके हैं, वो तीन चार जगह पकड़ा गया, वो नहीं देखा है किसी ने, तो इसको रेगुलेट करने, उन चीज़ों को देखने की, कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाने की सख्त किस्म का जरूरत है, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ है, हम सब लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सोचना चाहिए। देखिए साईं दिमागी की बातें भी तुम सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुंचाते रहते हैं ना, तो फायदे भी तुम बात है साईं दिमागी की, आप लोग दोनों ने बात कर दी है, तो मैं बता दूं कि साईं दिमागी ने एक पेशगोई की थी, बहुत सारी की थी, लेकिन एक और जो की थी कि सिंध की बड़ी शख्सियत, तो क्रेडिट जाता है जी हशर नशर और अब बशर भी है। हाँ, लेकिन हशर नशर बशर और क्रेडिट बहुत बड़ा है कि कोई सिंध की बड़ी शख्सियत, तो आपने देखा वो बड़ी खतरनाक खबर, एक और शख्सियत की भी पेशेंगोई हो चुकी हुई है, हो चुकी है, अक्टूबर का इंतजार है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मार्च रोकना चाहते हैं, हमने पकड़वा लेना है, सारों को पकड़ा, इस दफा मार्च ना आए मायरा, वैसे मार्च में एलर्जी होती है ना ही आए तो बेहतर है, मार्च में मार्च नहीं है इसमें, तो अक्टूबर में मार्च हो रहा है, अक्टूबर में मार्च हो रहा है, वैसे की टीजर हो रहा है, नहीं अभी तो देखते हैं, अभी ट्रेलर जारी हुआ, उसे तो उससे पहले फिल्म बैन हो जाए। चले, मैं इन दोनों को पता ही नहीं है, इस दफा साईं दिमागी मेरे पास भी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कुछ टीजर आएगा, और मे भी क्या होता है, जो गिरफ्तारी की प्रेडिक्शन पहले से कर रखी है साईं दिमागी ने, वो तो यही कहते हैं कि कुछ पासा पलटने वाला है,
तो पॉलिटिकल पासे की या टिल्ट की हम बात करते हैं तो मायरा क्या प्रेडिक्ट कर रही है, ये क्या हो रहा है? तो आप तो कहती हैं तब्दीली तो आ गई है, लेकिन थोड़े लोग घबराए हैं। अच्छी महफिल जमी हुई है ये लग रहा है जेलों के अंदर, जेलों के अंदर बड़े बड़े बड़ी अच्छी सियासी गुफ्तगू होती होगी, जरा वो भी हमें लाइव दिखा दिया कह रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा लोग जो है वो जमा होते जा रहे हैं एक ही जगह पर, तो हम जरा कैमरे लगा देने कैमरे लगा देने चाहिए और लाइव चलाना चाहिए। सियासी माहौल तो बहुत गर्म चल रहा है, मौसम इतना गर्म है जितना सियासी गर्म हो चुका है, और ये गर्मा गर्मी हुई आपको बता चुके हैं बार बार, उसका जिक्र हो रहा है अक्टूबर का, कहते हैं लावा फटने वाला है। चले अमजद ने तो एक और प्रेडिक्शन कर दिया, साईं दिमागी ने और प्रेडिक्शन कर दिया, देखते हैं लावा फटता है नहीं फटता। लेकिन एक लावा सोसाइटी में भी फटा हुआ है, वो महंगाई का लावा है, डेंगू का लार्वा भी फटा हुआ है। हाँ डेंगी भी है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो रह जाते हैं ना, हमें बात उन पे करनी चाहिए। 20 मिनट में हम मतलब किसी चीज को क्या क्या करें, चलें क्या क्या करें, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट शो भी आने वाला है हमारा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डेंगी के लिए आपने ये करना है कि जो एहतियाती तदाबीर है वो जरूर अपनानी है। हाँ बाजू कपड़े मत पहने, साफ पानी भी मत खड़ा होने दें अपने घर के आसपास भी, ख्याल रखें पौधों में भी, ताकि एक बेसिक चीज तो आप ये कर सकते हैं, मोहल्लों की सफाई का खुद ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है, गली मोहल्लों की सफाई का ख्याल करें। मायरा कोई मैसेज देंगी सिंगल लाइनर? देखिए बहुत सारे देसी टोटके भी हैं डेंगू के हवाले से, अगर बात की जाए तो उनका भी इस्तेमाल घरों में जारी रखें, लेकिन ये कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इन्हसार है कि आपने आपको डेंगू से कैसे महफूज रख सकते हैं, तो ज़रूर उसका ध्यान रखना, एहतियात करना। इस वक्त मॉस्किटो रिपेलेंट मिलते हैं, वो लगाएं अंदर, आप किस तरह से जो लगा रहे हैं आले लगा रहे हैं या जो जाली भी होती है, हाँ जी नेट होती है, किस तरह से, तो ये अपनी अपनी तरफ से एहतियात करने की पूरी कोशिश करें। तो ये वक्त है, थोड़े अरसे के लिए डेंगू का जोर होता है गुजर जाएगा, लेकिन डेंगू के लार्वों के लिए आपको क्या कहते हैं पानी को खड़ा होने से रोकने, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कौम के लिए। देखिए हुकूमत को तो हम बहुत कुछ कहते रहते हैं प्रोग्राम में भी, सोशल मीडिया भी, जो हमारे हाथ में जो मीडियम लगता है उस पर शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ अवेयरनेस हमें भी ज़रूरत है। देखें गली के आपके घर के आगे पानी खड़ा है उसको साफ़ करें, आप अपने रास्तों को साफ रखें, ठीक है, लोगों के लिए आसानियां पैदा आप खुद भी कर सकते हैं, हम और आप लोगों में से हैं, ठीक है, लोगों के लिए आसानियां पैदा हमने करनी है। तो आप ये ख्याल करें हुकूमत जो करने आएगी वो डेंगू फैल रही है वो कर रही है, आप सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखें, आपको तमाम तरीक़ों का मालूम है, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं उसके ऊपर, एक छोटी सी चीज़ आप 2 मिनट 5 मिनट निकाल के अपने घर के इतनी सी जगह होती है, ठीक है, 2-3 फुट का जिसे हम थड़ा बोलते हैं, अब उसके ऊपर वो सफाई नहीं कर सकते, गली से गुजरते लोगों के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते, खुदा रहा इस पर सोचिएगा। ठीक है, सोचना सबने है, अमजद मायरा और मैंने भी सोचना है, और हमने ये नहीं करना कि अपना जो घर का कूड़ा है वो साथ फले हमसाये के सामने आपने इकट्ठा कर देना, यही आज का मैसेज है कि आपने अपने आप को साफ करना है, अपना एहतसाब करना है, क्योंकि खुद एहतसाबी बहुत ज़रूरी है, जो कि हुकूमतों ने भी करनी है, सियासतदानों ने भी करनी है, इदारों ने भी करनी है, जब वो होगी तो बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा। क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर हम अपने अंदरूनी मसाइल पर काबू पाएंगे तो ही बैरूनी चैलेंजेस से लड़ सकेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम हशन अशद से फौजा सुमराना, अमजद कुरैशी और मायरा इमरान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DBTV.live।